लोकसभा में विजेटर्स गैलरी से कूदने वाले सागर और मनोरंजन डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संसद की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक ने सभी को हैरान करके रख दिया है। इन दोनों ही आरोपियों को मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की तरफ से पास मिला था। जब किसी सांसद के जरिए किसी व्यक्ति को पास दिया जाता है तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होता है कि वे उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों से जो पास बरामद हुआ है उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लिखा हुआ है। यही वजह है कि अब बीजेपी सांसद हर किसी के निशाने पर है। हालांकि अभी तक प्रताप सिम्हा की तरफ से इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये बात जरूर बताई है कि घुसपैठ करने वाले में से एक आरोपी का पिता उनके संसदीय क्षेत्र का है और उसने उनसे विजिटर्स पास मांगा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप सिम्हा ने लोकसभा स्पीकर को बताया कि उनके पास घुसपैठियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर उनमें से एक मनोरंजन डी अपने और अपने दोस्त सागर के लिए विजिटर्स पास हासिल करने के लिए सिम्हा के पीए के साथ लगातार संपर्क में था। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रताप सिम्हा कौन है और वह कहाँ के रहने वाले हैं। प्रताप सिम्हा मैसूर कोडगू सीट से लोकसभा सांसद हैं। वह मैसूर के एक लोकप्रिय बीजेपी नेता हैं और उन्होंने 2014 और 2019 दोनों ही बार पार्टी के टिकट पर चुनावी जीत हासिल की है। प्रताप सिम्हा पहले कन्नड़ा प्रभा में पत्रकार के तौर पर काम करते थे, फिर उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। वह कर्नाटक बीजेपी के युवा विंग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 2014 में पहली बार चुनाव लड़ा। 2015 में प्रताप सिम्हा को प्रेस काउंसलिंग ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रताप सिम्हा की पहचान हिंदुत्व के कट्टर समर्थक के तौर पर होती है। वह कर्नाटक में टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए आदर्श हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में प्रताप सिम्हा ने पशु प्रेमियों पर भी भड़ास निकालते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुत्तों से प्यार करने वाले लोगों के बच्चों को जब वे काटेंगे तब उन्हें आवारा कुत्तों का खतरा समझ आएगा। बीजेपी सांसद अपने फायर ब्रॉड बयानों के चलते हमेशा विवादों में रहते हैं। उन्होंने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा था, मस्जिद जैसा दिखने वाला हर बस स्टैंड को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि बस स्टैंड को गुबंद जैसे आकार वाले बनाया गया था। प्रताप सिम्हा ने बताया था, मैंने बस सेलेटरों में गुबंद जैसी संरचनाएं देखी हैं। बीच में एक बड़ा गुबंद और उसके दोनों ओर दो छोटे छोटे गुबंद है। यह एक मस्जिद के अलावा और कुछ नहीं है। इंजीनियरों को इस प्रकार के शटर को हटाना होगा, नहीं तो मैं जेसीबी लाकर गिरा दूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।